कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर का आंकड़ा होता है। अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति हो और उसे सफल होना हो तो वह किसी भी उम्र में कुछ भी काम कर सकता है, और यही साबित किया है भारत की 94 साल की भगवानी देवी डागर ने। आपको बता दें कि हरियाणा की रहने वाली भगवानी देवी डागर ने भारत के लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर दी है। दरअसल वर्ल्ड मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप में भगवानी दादी ने 94 साल की उम्र में भारत के लिए गोल्ड मेडल और साथ ही 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। 94 साल की भगवानी दादी ने कमाल कर सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा देने का काम किया है। आपको बता दें कि उन्होंने साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर का आंकड़ा होती है। हरियाणा की रहने वाली भगवानी देवी ने 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त फिनलैंड के टाम्परे में वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप खेली जा रही है। इसी दौरान भारत की हरियाणा की रहने वाली भगवानी देवी ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट महज 24.74 सेकंड में पूरा कर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ उन्होंने शॉटपुट यानी कि गोला फेंक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। खेल मंत्रालय के द्वारा भी भगवानी दादी को उनकी शानदार जीत और साथ ही मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी गई। खेल मंत्रालय के द्वारा ट्वीट कर लिखा गया कि भारत की 94 साल की भगवानी देवी जी, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ नंबर होती है, उन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए इतिहास रच दिया। उन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट को केवल 24.74 सेकंड में पूरा किया। साथ ही उन्होंने शॉटपुट यानी कि गोला फेंक में भी भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथ ही भगवानी दादी की अब फोटोज और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भगवानी दादी ने फिनलैंड में जाकर भारत के तिरंगे की शान रखते हुए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि भगवानी देवी ने इससे पहले भारत के स्तर के कई अन्य मेडल जीत चुकी हैं। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।